your friend in insurance. I am an interpreter from Bharti College of Agriculture Engineering. Today we will study about the topic home page layout of the subject web designing and internet applications of BTech third year CA. हमने last class में देखा था कि हम एक page design कैसे करते हैं. ठीक है, हम एक पेज डिजाइन करने के लिए पेज डिजाइन में हमने पहले जाना था कि डिजाइनिंग क्या होता है. किसी भी एक प्रोडक्ट को डिजाइन करना डिजाइनिंग प्रोसेस कहलाता है. उसके बाद हमने देखा था कि हम वेब पेज डिजाइन क्या होता है. उसके बाद हम वेब पेज डिजाइन कैसे करते हैं, पेज के लेआउट को हम कंटेंट के अकॉर्डिंग और क्लाइंट से भी हम डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद जो है हम पेज के लेआउट को तैयार करते हैं जिससे कि वो अट्रैक्टिव. अब हम बात करते हैं कि होम पेज लेआउट, होम पेज को हम कैसे डिजाइन करेंगे जिससे कि जो वो अट्रैक्टिव करेगा. तो होम पेज डिजाइनिंग की यदि हम बात करें तो मोस्ट एस्टेब्लिश बिजनेस एंड कंपनीज इन टूडेज डेज एंड एज रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग ऑनलाइन प्रेजेंस टू रीच अ वाइडर रेंज ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट. माने कि कोई भी जो बिजनेस है या कोई भी कंपनीज है वो आजकल अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है अपने एक वाइड रेंज में क्लाइंट्स तक के पहुँचने के लिए. ठीक है, आप मान लीजिए एक अमेजोन की कंपनी है, वो प्रॉपर अपना प्रमोट नहीं करेगा प्रॉपर चीज़ों को, या आपकी कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी है जैसे कि कोई सी भी आप ले सकते TCS हो गई, सिस्को हो गई, सारी जो कंपनी है अपना ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रेजेंस रखती है जिससे कि थ्रू वर्ल्ड वाइड रेंज में उनके क्लाइंट्स जो है उनके थ्रू अवेलेबल हो जाए, उनके बारे में उनको चीज़ें पता रहे. तो ये सब तो तभी पॉसिबल है जब उनका जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो हो. यदि वो उनकी ऑनलाइन साइट से नहीं रहेंगी तो हम उन चीज़ों के बारे में जान ही नहीं पाएंगे. तो इसीलिए हर कंपनी, हर छोटी बड़ी बिजनेस कंपनीज आजकल चाहती है कि वो ऑनलाइन अवेलेबल रहे. आप फोन में जैसे आप एक कैलिफोर्निया लैंडलाइन का उसमें कुछ बिजनेस आवर्स में उसमें अवेलेबल रह सकते हो जब आप कंपनी हो, बट यदि आप वेबसाइट बना रहे हो, आप वेबसाइट के ओनर हो, तो आप उस वेबसाइट में 24/7 अवेलेबल रह सकते हो. यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपको उसमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, ईमेल सेंड कर सकता है, जिसके कि तो क्या होता है हमारी जो प्रेजेंस रहती है वो 24/7 की प्रेजेंस हो जाती है, जिसके थ्रू हमारी जो चीज़ें हैं वो हमको ईजिली क्लाइंट्स को भी ईजिली चीज़ें, यदि वो कहीं पे डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो वो उनको भी क्लियर हो जाती है, और यदि कंपनीज भी उन चीज़ों को आंसर देके अपने क्लाइंट्स को अपने तरफ रखती है जिससे कि क्लाइंट भी अट्रैक्टिव रहते हैं उस कंपनी से, और जो भी विजिटर है वो भी उस कंपनी से अट्रैक्टिव रहते हैं. ओके, पुटिंग अ लॉट ऑफ थॉट एंड एफर्ट इन टू अ वेबसाइट होम पेज डिजाइन कैन रियली मेक द डिफरेंस बिटवीन लीविंग पोटेंशियल कस्टमर विद गुड और बैड इंप्रेशन फॉर योर कंपनी और प्रोडक्ट. माने कि जैसे होम आपका मान लीजिए एक घर है, घर का आप जैसा हॉलरूम डिजाइन करेंगे उससे आपके घर में कितना घर आपका अट्रैक्टिव लगता है ये आप चीज़ों को देख सकते हैं, उस चीज़ को आप देख के समझ सकते हैं. सेम एज होम पेज लेआउट की बात करें तो वेबसाइट में सबसे पहले जब आप खोलते हैं तो आपका एक पेज, किसी भी आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो हमेशा जो वेबसाइट का पहला पेज ओपन होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं होम पेज. तो जब हम किसी भी का होम पेज खोलते हैं तो वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए जिससे कि वो कस्टमर में या क्लाइंट्स में गुड इम्प्रेशन क्रिएट करे. यदि वो इम्प्रेशन बैड हो गया मीन्स आपका होम पेज का लेआउट इतना सही, इतना परफेक्ट रहना चाहिए कि आपका जो पेज आप डिज़ाइन करेंगे, जो आपका पेज डिज़ाइन होगा उसके बाद वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहना चाहिए जिससे यूजर्स पे हमेशा गुड इम्प्रेशन पड़े. यदि यूजर्स में बैड इम्प्रेशन पड़ेगा, आपका होम पेज का जो लेआउट है वो सही नहीं है, तो यूजर्स पे क्या होगा, उसका बैड इम्प्रेशन पड़ेगा. तो बैड इम्प्रेशन पड़ने की वजह से आपके क्लाइंट्स कम हो सकते हैं, विजिटर्स, नंबर ऑफ विजिटर्स कम हो सकते हैं. यदि आपका प्रॉपर एक होम पेज ही अट्रैक्टिव नहीं लगता तो फिर उसके अंदर कंटेंट का फायर में कोई जानना नहीं चाहता. तो हमको जो है हमारा होम पेज है वो हमको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रखना चाहिए. दिस इज वॉट इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू कम अप विथ अ क्रिएटिव वेबसाइट होम पेज विथ अ पर्टिकुलर फोकस
placed on home page. मैंने कि जब भी हम home page design करते हैं तो हमारा home page में बहुत अच्छा focus रहना चाहिए, जिसके कि थ्रू क्या है हम home page में कैसी हमारी चीज़ें design हो रही है हम उन चीज़ों को ध्यान में रखें. A home page of a website visitor lands after clicking a search result. मैंने जैसे कि अभी बताया कि होम पेज कौन क्या पेज होता है, जैसे कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम डाला, आपने डाला CSVTU या आपने डाला IGKV, तो वो जो पहला पेज आपने IGKV लिख के एंटर दबाया, सर्च किया, तो आपको जो IGKV का फर्स्ट जो लुक क्रिएट होगा वो आपका होम पेज कहलाएगा. तो होम पेज क्या कहलाता है, जब भी हम कोई भी चीज़ को इंटरनेट में सर्च करते हैं तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के उसमें जो भी हमारा पहला पेज आता है हम उसको होम पेज बोलते हैं. सिंस दिस इज लाइकिंग बाय वन ऑफ द वेरी फर्स्ट इम्प्रेशन दैट द विजिटर हैज अ कंपनी और प्रोडक्ट, इट इज इनक्रेडिबली वर्थ वाइल टू मेक दिस मेन पेज डिजाइन लुक एंड वेलकमिंग एंड इंगेजिंग एज पॉसिबल. मैंने कि जब विजिटर आता है, जब विजिटर कोई भी पेज को विजिट करता है तो उनका जो पहला सबसे पहला जो इम्प्रेशन रहता है किसी भी कंपनी का या उनके प्रोडक्ट का वो होम पेज पे ही निर्भर करता है. कि हम जब होम पेज डिजाइन होम पेज को हम जब देखा विजिटर ने तो वो होम पेज की तरफ यदि अट्रैक्टिव होता है तभी वो फिर आगे उस वेबसाइट के अंदर जाके चीज़ों को सर्च करता है, वरना फिर वो उन चीज़ों को सर्च नहीं करता है जब तक कि आपका होम पेज आपको यूजर्स को अट्रैक्टिव ना लगे, तभी वो फिर वहाँ के कंपनीज या प्रोडक्ट के बारे में आगे सर्च करता है. A strong home page design can entice visitor to spend more time exploring the product or service offer, inviting them to learn more and hopefully. मैंने कि आपका जितना अच्छा जितना strong आपका home page का design रहेगा उतना ही जो visitors है उसमें ज़्यादा time expend करेगा आपके website में, explore करेगा उन चीज़ों को और आपके product और service offers या invitation जो भी चीज़ें रहेंगी आपके home page के बाद आपकी वेबसाइट में वो सारी चीज़ों को ज़्यादा उस चीज में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा यदि आपका होम पेज का डिजाइन बहुत स्ट्रांग है तो. कन्वेइंग देम टू परचेस बिफोर वी लुक द 20 बेस्ट होम पेज डिजाइन लेट अस फर्स्ट गो ओवर सम बेसिक एलिमेंट्स दैट अ मॉडर्न होम पेज डिजाइन शुड कंसिस्ट ऑफ. मने कि हम होम पेज डिज़ाइन देखते हैं बट उसके पहले होम पेज डिज़ाइन करने के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके मैंने क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक होम पेज क्रिएट करते हैं तो उनमें क्या क्या एलिमेंट्स रहनी चाहिए उन चीज़ों को हम पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स रहने चाहिए. तो सबसे पहले कि जैसे आप देख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट जो पॉइंट है इफेक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ योर बिजनेस, सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिव क्लीन होम पेज डिजाइन, थर्ड पॉइंट है डायनेमिक इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग, फोर्थ पॉइंट है सिंपल स्लीक नेविगेशन, फिफ्थ पॉइंट है एप्रोप्रिएट कॉल टू एक्शन एंड सिक्स्थ पॉइंट है मॉडर्न स्टैंडर्ड्स फॉर वेबसाइट प्रोडक्ट डिजाइन. तो ये छह चीज़ों को पॉइंट को हमको ध्यान में रखते हुए हमारे वेबसाइट को क्रिएट करना चाहिए. तो हम ये छह पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये पॉइंट्स में हमारे क्या क्या रहने चाहिए. जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव इंट्रोडक्शन ऑफ योर बिजनेस, मैंने कि आपका जो बिजनेस है आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस के बारे में आपके होम पेज में एक इफेक्टिव मीन्स जो इंट्रोडक्शन रहना चाहिए वो इतना इफेक्टिव रहना चाहिए तो जो विजिटर है उसके थ्रू अट्रैक्ट हो जाए, उनका जो इम्प्रेशन है बहुत अच्छा बने. जैसे कि हु आर यू, व्हाट डू यू डू, हाउ आर यू बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स, मने कि जो भी आप बिजनेस आज की डेट पे ओपन करना चाहेंगे आपको मार्केट में वैसे ही बहुत सारे बिजनेस और मिल जाएंगे आपके कॉम्पिटिटर्स जो है. जो नंबर ऑफ आपके कॉम्पिटिटर्स है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे जब भी आप कोई भी बिजनेस किसी भी टाइप का बिजनेस ओपन करने की सोचेंगे तो क्या होगा हमारी जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी कमी नहीं है मार्केट में. आप यदि एक कॉलेज खोलने की सोचेंगे, आप यदि एक यूनिवर्सिटी खोलने की सोचेंगे,
यदि आप एक शॉपिंग वेबसाइट ऑनलाइन जैसे कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट है ये सारी चीजें खोलने की कोशिश करेंगे, तो जैसे कि मान लीजिए आपकी अमेजॉन की कंपनी है, आप कोई दूसरी एक कंपनी खोलते हैं किसी और नाम से जिस जो कि शॉपिंग ई कॉमर्स साइट है, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट ईबे बहुत सारी ऑनलाइन कंपनी पहले से खुली हुई है जिसके कि थ्रू लोग परचेस कर रहे हैं, तो आपके आपके वेबसाइट में ऐसा क्या है कि लोग उनको छोड़ के आपके पास आए? मीन्स कॉम्पिटिटर्स आपके पास बहुत ज्यादा है, बट आप उन कॉम्पिटिटर्स को कैसे चैलेंज करते हैं, कैसे आप उन कॉम्पिटिटर्स को फेस करके नया चीज ओपन करके उनसे आगे जाते हैं? तो आपका जितना जितना इफेक्टिव आपका इंट्रोडक्शन रहेगा आपके बिजनेस के बारे में होम पेज में, उतने ही क्या है लोग ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे आपके वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के लिए. ओके, अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं. हमारा सेकंड पॉइंट है रिस्पॉन्सिव क्लीन होम पेज डिजाइन. मने की रिस्पॉन्सिव बोलने का मतलब है, और रिस्पॉन्सिव बोलने का ये मतलब है कि यदि आपने एक वेब पेज डिजाइन किया है वो लैपटॉप के स्क्रीन के अकॉर्डिंग डिजाइन की है, तो क्या होगा, आपके फोन में वो डिजाइन नहीं चलेगा. आपके फोन में जो वेबसाइट ओपन होगी वो ऊपर नीचे होगी, आगे पीछे होगी. उससे अच्छा है कि आप उस चीज को, उस वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना ले. रिस्पॉन्सिव बनाने से क्या होगा, आप उसे टैबलेट में खोले, डेस्कटॉप में खोले, लैपटॉप में खोले, स्मार्टफोन्स में खोले, वो अब स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट उसमें ओपन हो जाती है. तो दिस इज वेरी मच बेटर आज के दिन के डेट पे कि आपका जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव रहे. देन सेकेंड, क्लीन होम पेज. क्लीन होम पेज बोलने का मतलब यदि हमने होम पेज में इतने इंट्रोडक्शन डाल दिया, इतने चीजें डाल दी कि यूजर कंफ्यूज हो गया कि वो क्या चीज देखे, क्या चीज पढ़े, बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया हमने होम पेज के डिजाइन को. दिस इज बैड इम्प्रेशन फॉर विजिटर्स और क्लाइंट्स. तो हम जितना ज्यादा क्लीन रखेंगे अपने होम पेज को, जितना कम बट इफेक्टिव इंफॉर्मेशन हम उसमें डालेंगे वो हमारे लिए उतना ही ज्यादा यूजफुल रहेगा. देन थर्ड पॉइंट है डायनेमिक इंटरैक्टिव एंड इंगेजिंग. डायनेमिक इंटरैक्टिव एंड इंगेजिंग बोलने का मतलब जो हमारा वेबसाइट है वो डायनेमिक रहना चाहिए. स्टैटिक एंड डायनेमिक. डायनेमिक मीन्स जो चीजें वर्क करती है जिनमें मोशन रहता है. स्टैटिक मीन्स जो चीजें एक जगह पे रहती है उस चीज को हम स्टैटिक बोलते हैं. और डायनेमिक बोलने का मतलब हमारा होता है कि जो चीजें मोशन करती है. इंटरैक्टिव मीन्स हमारा जो वेबसाइट है वो हमको इंटरैक्टिव दिखना चाहिए. योर वेबसाइट विजिटर कम्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस फॉर पीसीज टेबलेट्स स्मार्टफोन्स. नंबर ऑफ कंटिन्यूस इंक्रीजेज अराउंड द वर्ल्ड. नो वंडर ऑफ यूजर ऑलमोस्ट 60% ऑफ करंट वेबसाइट ट्रैफिक इज डन बाय अ मोबाइल डिवाइस. मैंने कि हमारे मोबाइल डिवाइस के थ्रू क्या होगी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक क्रिएट होगी. पीपल टेंड टू रिमेंबर इमोशनली चार्ज इवेंट बेटर न्यूट्रल वंस. अप्लाइंग द नॉलेज टू योर होम पेज डिजाइन हेल्प यू टू क्रिएट अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस ऑफ योर विजिटर्स. मैंने कि हम अपने वेबसाइट में जितना ज्यादा हम अपने वेबसाइट को न्यूट्रल रखेंगे और जितना ज्यादा उसमें चार्ज इवेंट रखेंगे वो उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा. अ डायनेमिक होम पेज कैन इवोक पॉजिटिव इमोशन इफ योर विजिटर्स इंक्रीजिंग द चांस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद योर वेबसाइट. मैंने कि जितना ज्यादा आपका वेबसाइट डायनेमिक रहेगा उतने ही ज्यादा उसमें पेज इमोशन रहेंगे, उतने ही ज्यादा क्या है यूजर्स आप इसके थ्रू एट्रैक्टिव होंगे जितना ज्यादा आपका पेज डायनेमिक रहेगा. तो इसके बाद फिर हम देखते हैं सिंपल स्लीक नेविगेशन. नेविगेशन हमने कल ही पढ़ा था कि नेविगेशन क्या होता है. हमने उसमें 8 टाइप के नेविगेशन पढ़े थे. कुछ नेविगेशन जो बहुत ज्यादा यूज होते थे, वर्ल्ड वाइड यूज होते थे, वो अट्रैक्टिव रहते थे. तो हमको जो सिंपल नेविगेशन यूज करना चाहिए, क्योंकि नेविगेशन भी जितना ज्यादा हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हमारे जो इम्प्रेशन है वो हम बैड हो जाएगी विजिटर्स के लिए. अट्रैक्टिव नहीं रहेगा वेब पेज का डिजाइन, हमारा होम पेज का लेआउट. इसके लिए जो भी हमारे नेविगेशन रहने चाहिए वो सिंपल रहने चाहिए. देन अप्रोप्रिएट कॉल टू एक्शन. अप्रोप्रिएट कॉल टू एक्शन. विजिटर्स इन योर होम पेज इज अ ग्रेट स्टार्ट, बट वॉट डू यू डू विद देम वंस दे आर देयर. मने की
विजिटर्स आप अपने वेबसाइट पे और विजिटर अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, अब विजिटर अट्रैक्ट हो गए आपके होम पेज के थ्रू, वो अट्रैक्ट हो गए, तो अब आगे क्या, विजिटर्स आ तो गए आपके वेबसाइट में, बट आगे क्या, आगे आपने उनके लिए और क्या क्या चीजें वहाँ पे अट्रैक्टिव एक्सप्लोरिंग रखी है कि जब आपके वेबसाइट को वो एक्सप्लोर करे तो उन्हें और क्या क्या चीजें मिले। तो जैसे कि साइन अप नाउ, ज्वाइन टुडे, गेट अ फ्री टायर, ऐसे सारी, सब्सक्राइब नाउ, ये सारी चीजें हमारे वेबसाइट में कॉल टू एक्शन के थ्रू रहती है। द मेन गोल ऑफ एवरी वेबसाइट शुड कैप्चर द टारगेट ऑडियंस अटेंशन इन ऑर्डर टू गाइड विजिटर्स फ्यूचर टू इन टू द वेबसाइट, एनकरेजिंग दैम टू गो चेक थ्रू केस स्टडी, लीव देयर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज इंगेज विद कंपनी। मैंने कि हमारे जैसे भी कोई भी विजिटर्स आता है तो हम कई बार उनकी पर्सनल डिटेल्स ले लेते हैं, लाइक कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, उनका नाम, या फिर ऐसे किसों क्या होती है, विजिटर जो है कंपनी से इंगेज हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमको अप्रोप्रिएट रखनी चाहिए कॉल टू एक्शन को, जिसके कि थ्रू जो है यूजर्स इजली हमारे वेबसाइट में विजिट करें। मॉडर्न स्टैंडर्ड्स फॉर वेबसाइट फ्रंट पेज डिज़ाइन, यानी कि वेबसाइट को हमको डिज़ाइन करने के लिए क्या हमारे मॉडर्न स्टैंडर्ड्स है फ्रंट पेज हमको यदि डिज़ाइन करना है तो उसके लिए यदि हम देखें द वर्ड है डिज़ाइन वेरी क्विकली स्टैटिक एंड सिमेट्रिकल, ग्राफिक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी हैज मैच्योर, डिज़ाइनर शुड बिगिन मोर डेयरिंग बेंडिंग रूल्स फॉर डिज़ाइनिंग लेस रिजिड एंड मोर क्रिएटिव अप्रोच, मैंने कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आजकल के जो वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव यूज़ करते हैं, जिसके कि थ्रू हमारा वेब पेज जो डिज़ाइन होता है वो बहुत अच्छे से होता है। तो इसके थ्रू यदि हम देखें तो हमारा जो वेबसाइट है वो बहुत अच्छे से डिज़ाइन होता है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लोग बहुत ज़्यादा उसमें एसिमेट्रिक लेआउट्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि कई बार जो वेबसाइट रहती है वो कई, यदि आप वेबसाइट देखेंगे यदि उसमें गुड कंटेंट नहीं है तो वो यूजर्स के लिए बोरिंग हो जाती है, तो हमको ये सारी चीज़ों में ध्यान रख के फ्रंट पेज डिज़ाइन करना चाहिए। जो हमारा CTA है वो रिलेवेंट रहे, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वाइट स्पेस, जो हमारे कलर्स रहते हैं वो अच्छे रहे, जो क्रिएटिव लेआउट रहने चाहिए, मीन्स जो हमारे लेआउट है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहने चाहिए, जो फंड्स या जो भी हम सपोर्टिंग एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं वो हमारी अच्छी रहनी चाहिए, यदि हम बैकग्राउंड म्यूजिक डाल रहे हैं तो वो भी हमारा अप्रोप्रिएट रहना चाहिए। देन व्हाट मेक्स अ होम पेज ग्रेट, ठीक है, ये हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट मेक्स अ होम पेज ग्रेट, हमारा जो होम पेज है हम उसे बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं, क्या हम उसमें करें कि हमारा जो होम पेज है वो बहुत अच्छा बने। इंफॉर्मेटिव बट सक्सिस्टेंट, मेकिंग एन इंटरैक्टिव एस्पेक्ट लाइक वीडियोज एंड स्लाइडिंग कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, कीप अ कॉपी ऑफ टेक्स्ट अ मिनिमम व्हाइल सक्सेसफुली एक्सप्लेनिंग व्हाट अ प्रोडक्ट इज, यदि उसे विजिटर्स आते हैं उसे प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट सर्च करने के बाद उनका एक कुछ कॉपी रखना चाहिए, जैसे कि जो भी विजिटर्स आते हैं वो कौन है क्या है, उनका एक हमें यदि डिटेल्स लगे तो हम आगे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी हम फोकस करते हैं वो कंटेंट ओरिएंटेड रहना चाहिए, मैंने कि जो हमारा पूरा वेब पेज हम डिज़ाइन करते हैं उसमें जितने भी कंटेंट हैं कोई भी अनयूज नहीं रहना चाहिए, सारे कंटेंट जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेटिव रहने चाहिए, और जो भी हम एक्शंस उसमें यूज़ करते हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे रहने चाहिए, कॉल टू एक्शन जो हम लेते हैं, जो हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं यूज़र्स के लिए, जो हमारे एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं वो तो ठीक है बट कोई नए यूज़र्स आते हैं तो उनको भी वो चीज़ें अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, तो ऐसे करके हम एक बहुत अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट कि हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करें किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए। थैंक यू।